No friend. No friend. Likes you. Likes you. लगा दियो. ओ दूर पे से गिरेगा सीधा. अटकेगा भी नहीं. और तो सीधा फ्राइंग पैन में गिरेगा. गिरा तो गया ऊपर से तल गया. है ना? S मत लगा दे. No friend. No friend. Like you. Like you. Friend दिया. No friend like you. जब आपको इंग्लिश आ जाए तो आप मुझे बोल दे. No sir. No sir. No sir like you. No sir like you. मैंने दिया. No sir like you. अपनी मैम को ही बोल देना. न्यारी सा मैम को काफी अरेंजमेंट किया उन्होंने सारी भूमिका निभाई. उनको बोले no ma'am. No ma'am. Like you. Like you. क्या? No ma'am like you. मैंने दिया. No ma'am like you. कमर झुका के नहीं बोल रहा है. सीधी कमर करके बोल रहा है. No friend. No friend. Like you. Like you. No friend like you. No friend like you. तो अभी मैं बता रहा था पद्मावत जो मूवी है उसको रिलीज होने में करणी सिन्हा ने राजपूतों ने कितनी प्रॉब्लम्स खड़ी की. बोले दीपिका पादुकोण के नाखून काट के लाओ. 10,000 देंगे 1,00,000 देंगे इनाम में. कई बार आया नहीं इसको. बोले हमारी रानी ऐसी नहीं थी रानी वैसी नहीं थी मूवी क्यों बना थी. पद्मावत मूवी क्या हो गई थी झगड़े की क्या बन गई थी. It is bone of contention. Bone of contention. मैंने दिया. It is bone of contention. लेकिन आप ये बताओ क्या संजय लीला भंसाली ने गलती कर दी मूवी बनाने की. क्या दीपिका पादुकोण ने उस मैं एक्ट्रेस की भूमिका निभाकर रानी की भूमिका निभाकर गलती कर दी. फिर क्यों नहीं होने देना तेरी जिस. क्या बुराई है उस मूवी में बताओ. क्या बुराई है. अरे आपको तो इस चीज से प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक पहला डायरेक्टर है इसने भारत में पन्नों में दबी हुई रानी को एक इतिहास में फेमस कर दिया. पूरे इंडिया में फेमस हो गई वो. पहले किताब के दो पन्नों में सिमटी हुई थी. वो कौन सी किताब में थी हमें भी नहीं मालूम. आपको मालूम था रानी दुर्गावती के बारे में मालूम था 10th class में. रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप जानते हो. अवंतीबाई के बारे में आप जानते हो. झलकारी बाई के बारे में आप जानते हो. रानी दुर्गा रानी लक्ष्मीबाई की सखी सहेली उनके बारे में जानती हो. पद्मावती के बारे में क्या जानती हो. मूवी से पहले बताओ क्या जानती थी. फिर करणी सेना ये क्यों नहीं सोचती कि हम तो धन्यवाद करते हो उस डायरेक्टर का कि उसने हमारी रानी को फेमस कर दिया. शी इज फेमस. फेमस सोच अच्छी रखो. मैं ये बता दूं जब मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया था अपनी क्लास में लोग यही कह रहे थे सर सोच अच्छी होनी चाहिए. क्या ले रही है मूवी. अब वो कह रहे हैं रानी डांस नहीं करती. तो रानी दारू भी तो पीती थी. क्या पहले की रानी ने दारू नहीं पीती. अकबर के जमाने में शराब पीती थी वाइन पीती थी घुड़सवारी करती थी बंदूक चलाती थी हंटिंग करती थी. तो हंटिंग करना भी तो बुरा है भाई. सलमान खान ने काला हिरन मारा उसको कोर्ट में बार बार बुला रहे. मैंने उससे बोला भी था काला मत मार है सफेद मार दे. मार के आया काला रात को तेरा दिखाई नहीं दे रहा था. मैंने काले में मार दिया. अब काले में मार दिया तो तुम निपटो बेटा. मैं क्या कर दूँ इसको. नेक्स्ट टाइम बार बार किसी को टॉर्चर किया जाए किसी के लिए. अगर हम सलमान खान के लिए कुछ कर सकते हैं क्या. नहीं. जब कोई इंसान उसके साथ बुरा हो जाए आपको अगर उसके लिए खेद व्यक्त करना है तो बोल देना आई फील फॉर सलमान खान. क्या आई फील फॉर सलमान खान. जैसे मान लो कोई बच्चा फेल हो जाता है एक विषय में दो विषय में तो आप लोग क्या करते हो लड्डू बांटते हो. नहीं हम तो एक गले वो आओ मैं तो खेल रहा हूं. क्या बात जी मैंने कुछ ही साल फेल हो गया था ऐसे ही नहीं. हम लोग क्या करते हैं खेद व्यक्त करते हैं. I feel for you. क्या? I feel for you. तो जब भी किसी को खेद व्यक्त करना. अब जैसे सर वो राहुल गांधी की शादी हुई उम्र हो गई 48 तो कब होगी 88 और उनकी शादी होगी भी कि नहीं. गांधी नहीं मैंने तो उनकी कुंडली देखी नहीं होगी. होगी नहीं तो उनके लिए भी खेद व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं. I feel for Rahul Gandhi. Rahul Gandhi. क्या? I feel for Rahul Gandhi. मैंने दिया. I feel for Rahul Gandhi. उनकी शादी हो रही है खेद व्यक्त कर दो और आगे भी नहीं होगी ये मैं बता रहा हूँ. क्यों? क्योंकि उनके देखो
मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, टीचर हूँ, बता रही हूँ। नेक्स्ट स्टार्ट। रेडी हो? आपने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह देखा? आपका पहले उसके नीचे क्या लिखा है? हमें बहुमत दो तो इनको सांस दे दो। मुझे लग रहा है हमें बहुमत दो, इनकी शादी होगी तो कैसे होगी? आप आते नेट देखना, ढूंढ लेना। आपको पता है मोहल्ले में लिखा है हमें बहुमत दो। शकर के दाम बढ़ा रहे, फिर भी शकर हम खा रहे। सर आप कम नहीं करेंगे? हम तो और हलवा बना बना के खाएंगे। जितने दाम बढ़ाओ उतना किलो हम बढ़ाएंगे, है ना? गैस तो इतनी पॉजिटिव होती है हमेशा हर काम में। तुम रेट बढ़ाओ, हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे, हम गुणवत्ता बढ़ा रहे हैं उस चीज की, है ना? तो दाम बढ़ा रहे, अच्छा है बुरा सुनकर अच्छा लगा? नहीं, रेट महंगाई बढ़ेगी, दाम बढ़ेंगे, दिक्कत होगी। yes, जब कोई चीज सुनकर बुरी लगे तब बोले इट साउंड्स बैड। क्या? इट साउंड्स बैड। इट साउंड्स बैड। इट साउंड्स बैड। अगर मान लो बीच में आपको प्यास लगाई, आपको पानी मिल रहा है, तो आप चुपचाप बोतल खोलते हो और पी लेते हो। बगल वाले को कुछ पता ही नहीं हो रहा क्या हो रहा है। अच्छा है वो पूछता भी नहीं, तुम कहते हो मैं बियर पी रही हूँ, पूछता भी नहीं है सामने वाला। लेट्स स्टार्ट। अगर किसी से आपको पानी पीने की परमिशन लेना है तो कैसे लेंगे? मे आई दे ड्रिंक वाटर। ड्रिंक और ईट को तो गोली मार दो आप, है ना? आप टेक पे आया और ये घट और पट और ये चट, ये पैर की आवाज नहीं आनी चाहिए, है ना? तो मे आई टेक लगाऊंगा। अगर मैं इधर खड़ा हूँ मैं क्या बोलूंगा? आई एम स्टैंडिंग। आईएनजी लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि मैं कोई काम कर रहा हूँ। जब कोई काम करूंगा तब तो आईएनजी लगाएंगे। मैं पढ़ा रहा हूँ, आईएनजी